लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसको उनको उसमें रेवड़ी दिखती है, उन्हें आपत्ति है इस बात। बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकले, ये है रेवड़ी। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता। अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपके माध्यम से वोटर के सामने अपना बही खाता खोलकर सामने दिखाएं कि साहब ये हमारा बही खाता आपके सामने। मुझे लगता है ये परंपरा आवश्यक है और इस परंपरा की शुरुआत का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है, बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं। पिछले 5 साल इस पूरे विश्व के, हमारे देश के, हमारे इस प्यारे से प्रदेश के कैसे गुजरे वो आपके सामने हैं। उसमें 2.5 साल बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे कोविड की महामारी से, उसके बावजूद अगर बही खाता खोल के देखें तो मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहां से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहां कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। ना केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियां, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहां की योजनाओं में, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं दिखे। इसलिए बड़े गर्व के साथ, अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है हमारे यहां आपस में, हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ जरूर आना चाहते हैं प्रचार में, क्योंकि यहां बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ करके दिखाया। मैं आपको एक ये कहानी, मेरी बड़ी बड़ी प्रिय कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। राहुल जी और हमारे कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही दिन में तीनों मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने आए। सबसे पहले राजस्थान सुबह आए, फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और फिर छत्तीसगढ़। जब वो वापस दिल्ली शाम को राहुल गांधी पहुंचे और उनको खबर आई कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी पर हस्ताक्षर किए, अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया, बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से काम कर, इस काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला आदिवासियों को, धान खरीदी में किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर ले, उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसको उनको उसमें रेवड़ी दिखती है, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है?
राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो अब आपके सामने हर बार जो भी यहां प्रेस वार्ता करता है वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ है इस सरकार द्वारा। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से भी और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकलेगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है, आपने आपके पास है तो एक एक सब उठा के रखें तो अच्छा लगे। पहले ये रिलीज कर दें, अब ये देखिए, ये है रेवड़ी, छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अदानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नियत आपके सामने है।